अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन। निक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा कुछ। निक्स में और दो एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो रह गई थी। एक तो है एक ऑप्शन, जैसे हम एच आर एफ करते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास मेल टू। तो मेल टू एक ऑप्शन है। सपोज सब उस समय किसी लिंक पे क्या करना है, हम चाहते हैं कि वो मेल चला जाए। उस टाइम पे क्या हम करते हैं, हम हमारी जो लिंक होती है वो कुछ ऐसी क्रिएट होती है। ठीक है, इसको मैं तो एचडीएफ में मैंने क्या लिखा, मेल टू। ठीक है, मेल टू पे कोलन, और कोलन के बाद वो मेल जिस पे मेल आना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा सम मेल example.com। तो आप अपना मेल या किसी जिस पे आप मेल, जैसे हम कहते हैं सेंड अ मेल टू मी, तो आप वहाँ पे एक टेक्स्ट लिख सकते हैं या कुछ एक आइकन दिखा सकते हैं। तो उस पे क्लिक होते ही आपका वो जो है मेल आई, आपके चाहे वो कोई ब्राउजर यूज कर रहे होंगे या कोई और एप्लीकेशन, तो उसके जरिए से एक मेल पे चला जाएगा ना, आपको एक मेल आ सकता है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने से क्या हो जाता है कि मेल एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेरी जो मेल एप्लीकेशन, यहाँ मुझे पूछ रहा है कि किस मेल एप्लीकेशन से आप इसको मेल करना है, तो मुझे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जिस टाइप का वो ब्राउजर यूज कर रहा हो, चाहे मोबाइल यूज, तो मोबाइल में उसके मेल एप्लीकेशन खुल सकती है। और वहां पे जो है सेंडर का जो मेल, आपका मेल एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक और ये चीज थी। एक और चीज जो है वो है ये कि इम्पोर्टेंट कि बुक मार्क्स हम क्रिएट करते हैं। बुक मार्क्स, तो बुक मार्क्स हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास सपोज एक पेज है, तो हम ऊपर लिखेंगे गो टू सेक्शन वन, सेक्शन सपोज सॉरी सेक्शन वन और समथिंग, लिस्ट वन पे हम जाएंगे, तो लिस्ट वन एक लिंक बनाएंगे। तो इस लिंक पे जब ये जाएगा तो ये कहीं और पहुंच जाएगा जहां पर वो लिस्ट वन दिखा गया अपने ही पेज में, तो वो हम बनाते हैं यूजिंग बुक मार्क्स। तो ये चीज आप तो थोड़ी सी ऑनलाइन देख सकते हैं, उसमें हम आईडीज क्रिएट करते हैं और वो कैसे आईडीज फिर हम लिंक करते हैं यूजिंग हैश। ये बहुत ही इजी ऑप्शन है, तो आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल में हम जो है एक नए टॉपिक पे आ जाएंगे अभी, एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। ये चीजें जो है हमें बार फिर से आनी वाली है, कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं एचटीएमएल की, वो चीजें हमें फिर से आएगी जो ही हम सीएसएस पे काम करेंगे या जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहीं से दे रहे थे। तो फॉर्म एक यूजर इंटरेक्टिव बनाने के, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, हम हमारे पास एक टैग है फॉर्म, फॉर्म क्लोज करते हैं। फॉर्म हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऑप्शन हमें चाहिए, सपोज आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, जैसे हम लॉग इन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है वी हैव डिफरेंट इनपुट्स, इनपुट टैग, इनपुट फिर टाइप, किस टाइप का आपको इनपुट चाहिए। सपोज मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमारे पास है टेक्स्ट टाइप। ठीक है, फिर इनपुट बंद हो गया, मैं इसके आगे कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। सपोज यूजर मैं लिखूंगा यूजर, या यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन है कि मैं एक टैग यूज करूँ लेबल, लेबल हमारे पास एक टैग आता है। ठीक है, लेबल टैग में मैं ये दिखाऊं कि मैं जो एक्चुअली यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही लेबल टैग एक सिंपल। ठीक है, ताकि टैग दिखाने के लिए, ये क्यों काम, ये हमें आगे ये चीजें हमें आगे सेस में बहुत काम आने वाली है। तो लेबल में मैंने दिखाया कि एक इनपुट टाइप जो है उसका टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं उसके बाद चाहता हूँ कि एक लाइन ब्रेक आ जाए, फिर एक और लेबल में क्रिएट करता हूँ लेबल। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ पास कोड दिस, और लेबल को क्लोज कर देता हूँ। तो पास कोड लेने के लिए मेरे पास है एक इनपुट, अब ये टाइप जो इसका है वो है पासवर्ड। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। अब मैं जो ही इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास दो चीजें आ गई, यूजर नेम, मैं यहाँ पे कुछ भी यूजर दे सकता हूँ, कुछ भी यूजर नेम दे सकता हूँ, एंड आई हैव पास कोड, क्योंकि इसका टाइप टेक्स्ट है तो हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसका टाइप पासवर्ड है। तो जो ही मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसके बाद ये डॉट से डिस्प्ले हो रहे हैं।
ठीक है, तो इट इज बिकॉज, क्योंकि इसका टाइप जो मैंने लिखा है पासवर्ड है, तो पासवर्ड का टाइप जब हम आते हैं इनपुट में देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक पासवर्ड जैसा एक अपना सा रंग लेता है, और जो डिस्प्ले जो हम इंटर करते हैं डिटेल वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है। ठीक है, देन वी हैव अनदर थिंग, अब हमें ये डिटेल जो सेंड करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास है इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट एक बटन होता है, ठीक है, ताकि जिससे वैल्यू सबमिट हो जाए कहीं पे, ये यूजर पासवर्ड किसी सर्वर को हमें मिल जाए, तो ये वैल्यू पे हम उसके लिखते हैं सपोज लॉगिन, जो भी हमें डिटेल वहां पे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आ गया लॉगिन, तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे मुझे आएगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट ताकि एक ऐसा चीज जो सबमिट हो जाए, ठीक है, तो मैं इस सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा और कोड फिर लिखना है कि ये कहाँ जाएगा, अभी मैंने इसको बोला ही नहीं कि कहाँ जाना है। तो जहाँ भी इसको जाना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन एक होता है फॉर्म में, जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास उससे हम बोलते हैं मेथड, ठीक है, तो मेथड है, और एक तो होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कि ये कहाँ हमें भेजना है इसको। हालांकि इस पे बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन हम इस ऑप्शन पे, हम अभी दो ऑप्शन पे काम ज्यादा करेंगे। वन इज कॉल्ड एज मेथड एंड अदर इज कॉल्ड एक्शन। तो एक्शन वो चीज होती है इसको कहाँ भेजना है, सपोज इसको भेजना है मुझे डेमो, या फुल एड्रेस भी मैं दे सकता हूँ, एब्सोल्यूट भी दे रहा हूँ यहाँ पे demo5.html। तो सपोज ये एक ऐसी एक और पेज है जहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब अभी तो मैंने, हम उस डायनेमिक, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगी, फिर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आएगी, हम तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये तो सीरीज है ही नहीं उसके लिए। लेकिन एक पेज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम वो चीज लिखते हैं, यहाँ पे उस पेज का नाम लिखते हैं या उस वेब फुल एड्रेस का नाम लिखते हैं जहाँ पे इसको हमें ये चीजें हमें लेनी है और चेक करनी है कि क्या ये यूजर आईडी ठीक है, क्या ये पासवर्ड ठीक है। अब रहा सवाल मेथड का, तो मेथड हमारे पास दो है, एक तो है गेट और दूसरा है पोस्ट। अब गेट क्या करता है, जब भी हम गेट में भेजते हैं, गेट यूज करते हैं, तो ये जो डिटेल्स हम लिखेंगे, सपोज यहाँ पे 1234 और यहाँ पासवर्ड में 1234 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे गेट मेथड की, तो मैं इसको भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ये चला गया। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये चला गया इस डेमो कहीं पे, मैं इसको जहां पे इसको भेज रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें demo5 पे आ गया। तो गेट में क्या होता है, जो ही ये पेज चला जाता है कहीं पे, तो इसके URL में चला जाता है, इसके URL में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती है, ये डेटा सारा जो है चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी तेज में जाता है, तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द URL, जब भी मेथड गेट यूज करेंगे तो ये डेटा जो भी मैं लिखूंगा ये पार्ट ऑफ द URL चला जाएगा। अगर ये डेटा सेंसिटिव नहीं है, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड तो सेंसिटिव है, तो वो मैं नहीं चाहूंगा ये पार्ट ऑफ URL वो दिखे किसी को, तो मैं चाहता हूँ वो एक हिडन तरीके से चला जाए। तो आई हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज पोस्ट, तो जब मैं पोस्ट लिखता हूँ तो तब क्या हो जाता है, ये डेटा जो है पार्ट ऑफ यूआरएल नहीं जाता है, तो ये हिडन टाइप से चला जाता है उस पेज पे, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास, और जब भी हमें फाइल सेंड करनी हो, बड़ा डेटा, बहुत ज्यादा डेटा सेंड करना हो, तो हम हमेशा पोस्ट ही यूज करते हैं। और गेट तो है छोटी छोटी क्वेरीज, जैसे गूगल सर्च इंजन के लिए गेट यूज करता है, क्योंकि वो छोटी छोटी हम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, और क्योंकि वो कोई स्क्वायर नहीं होता जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें वो गेट के जरिए यूज करते हैं। तो जब हमारे पास, हमने छोटा सा टेक्स्ट वगैरह कुछ सेंड करना है सर्वर को और उसमें वो सेंसिटिव ना हो ज्यादा, तो हम गेट यूज कर सकते हैं। फॉर अदर थिंग्स लाइक फाइल सेंड करनी है, या बहुत डेटा सेंड करना है, कुछ सेंसिटिव डेटा सेंड करना है, तो हमें पोस्ट ही यूज करना होता है, ठीक है। रहा सवाल एक्शन का, तो ये तो वो पेज है या वो एड्रेस है जिसपे हम ये सारा डिटेल भेज रहे हैं, ये एक्चुअली हमें सर्वर साइड पे होता है। सपोज मेरे पास सर्वर साइड पे कोई पेज है demo.php, अगर PHP में बना हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो डिटेल लिखूंगा, तो उस demo.php, योर फाइल वॉज नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं बना हुआ कोई पेज, demo.php मैंने कोई बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो लेकिन ये
हम यहाँ पर ऐसी चीजें लिख सकते हैं जब वो हम सर्वर साइड प्रोग्राम पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था सिंपल, दो ऑप्शन हमारे पास, एक दो दो तीन ऑप्शन हमने देखी। हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमारे पास इनपुट एक टाइप है, इसको बोलते हैं रेडियो। ठीक है, अब रेडियो क्या होता है, सपोज का मैं नाम एक रखता हूँ, रेडियो में नाम रखता हूँ जेंडर। ठीक है, ठीक है, और इसका वैल्यू एक देता हूं मैं, वैल्यू इज इक्वल टू मेल। ओके, तो इसके आगे मैं लिखूंगा मेल। ठीक, फिर मैं एक और लिखूंगा फीमेल, और मैं फिर से लिखूंगा ये इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो मैंने लिखा, अब देखो यहाँ पे मुझे नाम पे ध्यान रखना है, नाम मुझे फिर से लिखना है यही जेंडर, अगर मुझे एक ही ग्रुप है। वैल्यू, अब वैल्यू इसका अलग हो सकता है, ये क्या चीज है, ये यहाँ पे हमें दिखेगी, यहाँ पे मेल और फीमेल। देखो इन दो चीजों में एक ही सिलेक्ट होगा, या ये होगा ये रेडियो, वो ऑप्शन है जो मल्टीपल ऑप्शन में हमें एक ही सिलेक्ट हो। अब वो एक ही कौन सिलेक्ट हो, ये हो जाए या ये हो जाए, तो ये ऑप्शन एक है हमारे पास। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे नेम स्कूल जेंडर। अगर मैं एक और ऑप्शन भी लिखूं, सपोज तीन ऑप्शन है या किसी में पांच ऑप्शन है, उन सब का नाम एक ही होना चाहिए, नाम से हम इनको ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, ये था इनपुट रेडियो टाइप। ठीक, एक और भी है हमारे पास इनपुट टाइप, वी हैव चेकबॉक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, सपोज नाम इज कॉल्ड सब्जेक्ट वैल्यू सी। ठीक है, मैं सी के बाद स्कूल डी लिख रहा हूँ, फिर से यही इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम फिर से यही सब्जेक्ट और वैल्यू मैं नहीं ले सकता। अब ये चेकबॉक्स एक अलग चीज है, इसमें क्या फर्क है, मेरे चेकबॉक्स लिए मैं ये भी यूज कर इसको भी सेलेक्ट करूं। तो जब हमें कोई ऑप्शन हो उनमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट, जैसे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो हम दो दो चार या पांच जो हमारे पास है ऑप्शन मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस जब हमें मल्टीपल सिलेक्शन करनी हो उस टाइम हमारे पास जो काम आता है वो आता है चेकबॉक्स। ठीक है, रेडियो में हम एक एक ग्रुप में एक कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप में तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप में एक ही, लेकिन चेकबॉक्स में हम बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, देन वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज सिलेक्ट। चूज बुक, अब सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट स्टार्ट भी होता है और सिलेक्ट क्लोज भी करना होता है। तो सिलेक्ट में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन वन फिर ऑप्शन क्लोज करते हैं, ऐसे मैं इनको कॉपी करके और ऑप्शन है हमारे पास थ्री, एक और ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, तो जहां भी हम इसको सिलेक्ट, जहां जो भी सिलेक्ट ऑप्शन जो है, ये हमें मल्टीपल ड्रॉप डाउन जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमें देता है। ठीक है, तो जो भी मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं, उनमें से एक सिलेक्ट कर सकता हूं, सिलेक्ट एक ही कर सकता हूं, बट आई हैव एन ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो रेडियो की तरह एक ही सिलेक्ट होगा लेकिन ड्रॉप डाउन में आता है, रेडियो तो अलग अलग यहाँ से एक, यहाँ एक और यहाँ एक ऑप्शन, लेकिन ये जो ऑप्शन जो है ड्रॉप डाउन में आती है। ठीक है, तो ये तो था सिलेक्ट। देन वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज इनपुट टाइप, नहीं इनपुट, हमारे पास एक और ऑप्शन है जो है टेक्स्ट एरिया, एरिया क्लोज। ठीक है, इसका एक नाम भी हम रखेंगे, ये नाम क्यों रखते हैं, हमें इस सर्वर में बड़े काम आता है कि हम बाद में देखेंगे। जो हमने टेक्स्ट एरिया लिखा, तो टेक्स्ट एरिया में हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट, हम यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं,
वो टाइप टेक्स्ट जो है उसमें एक ही लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी सारी लाइनें लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी ऑप्शन है कि कितनी लाइन, कितना ये बड़ा होना चाहिए, कितना लाइन लिख सकता है, कितने वर्ड्स वगैरह, वो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल के लिए हम खाली देखेंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो ये एक और चीज है। फिर हमारे पास एक इनपुट है फाइल, अगर हमारे पास एक फाइल अपलोड करनी हो, ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास इनपुट टाइप फाइल। मैं ये लिख ही देता हूँ, ठीक है, तो चूज फाइल आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेंगे तो कोई फाइल एक हम इससे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम आगे जब हम CSS पे आएंगे तो उनको एक्सप्लोर करेंगे, या ऑफ एक्सप्लोर ऑन द इंटरनेट भी कर सकते हो। इन फॉर्म की जो ऑप्शन है बहुत सारी है और बहुत ही ईजी है।